हमारे देश में चिकन नियमित रूप से खाया जाता है, पर क्या आप जानते हैं कि चिकन से बहुत से दुष्प्रभाव भी बढ़ते हैं। हर कोई इसके दुष्प्रभाव के बारे में नहीं जानता है, पर हम चाहते हैं कि सब इसके बारे में जाने। आइए हम आपको इसके दुष्प्रभाव के बारे में बताते हैं। अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो हर रोज पाने के लिए। चिकन में साल्मोनेला, कैम्पिलोबैक्टर एसपीपी और अन्य बैक्टीरिया हो सकते हैं जो कि आपको फूड पॉइजनिंग करा सकते हैं। ब्रॉयलर मुर्गा अक्सर भरे हुए कमरे में प्रजनन होता है, जिससे इकोलाई बैक्टीरिया का उत्पत्ति होता है। ये जीवाणु दूषित या अनुचित तरीके से तैयार भोजन के उपयोग के कारण बनता है। त्वचा को बिना खाए गए चिकन में कम कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, लेकिन ये अन्य सभी के तुलना में कम नहीं है। त्वचा के बिना चिकन एक सर्विंग में लगभग 85 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है, इसलिए जब भी चिकन खाए तो कम मात्रा में खाए। शोध में ये भी पाया गया है कि चिकन खाने वालों की तुलना में शाकाहारी में कैंसर का खतरा कम रहता है, जो कि 40% तक कम है। इसलिए चिकन खाए पर कम मात्रा में, अपनी प्लेट में सिर्फ 30% चिकन रखे और बाकी 70% सब्जियां। जब भी आप चिकन खरीदने जाए तो पहले पता कर ले कि उस समय बर्ड फ्लू तो नहीं चल रहा है। अधिकतर बर्ड फ्लू के समय चिकन की बिक्री कम हो जाती है, इसलिए हमारा आपसे अनुरोध है कि चिकन खाए पर कम मात्रा में खाए। तो दोस्तों, अगर आप हमारे दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके हमें अपना सुझाव दें, और प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारे साथ आप जुड़े रहें। धन्यवाद।